ऐसी कौन सी गठबंधन की मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जाटों को धमका रहे हैं और आप लोग चुप हैं? ऐसी गठबंधन की मजबूरी रोहित भाई, रोहित जी नाम बताइए उम्मीदवार का जिसने धमकाया है। नाहिद हसन, मैं बता देता हूं, ये नाहिद हसन के समर्थक है और नाहिद हसन अच्छा, और आदिल चौधरी, आदिल चौधरी मैं नाम बता रहा हूँ, उम्मीदवार हो गए तो फिर पूछ क्यों रहे थे? नाहिद हसन जेल में है, नाहिद हसन जेल में, जेल से धमका रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सो रही है। आदिल चौधरी और नाहिद हसन के समर्थक है ना, सो रही है, समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी, आदिल चौधरी नहीं असलियत दिखाइए मुझे बयान, आदिल चौधरी ने क्या कह दिया? तो आप समझिए, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, करता है जो धमका रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज मुझे आपको वीडियो दिखाने पड़ रहे हैं, पहले आप बताते कि अमन देखिए, अमन जी देखिए धमका रहे हैं, आज मुझे आपको जगाना पड़ रहा है, कह रहे हैं वीडियो दिखाओ, पहले वीडियो दिखाऊं आपको? नहीं नहीं पांच दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं, दिखाइए आदिल चौधरी का वीडियो दिखाइए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कौन से कैंडिडेट धमकाया है मुझे वीडियो दिखाइए। अच्छा दिखा दीजिए, बताइए मुझे दिखाना पड़ रहा है। अगर काम कर लिया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ये ना करना पड़ता इनको जो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के आपकी आंखों में गठबंधन की पट्टी बंदी है, आज आप जाटों के साथ क्या कर रहे हैं? आज प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, आज किसान भाई लठ लेके खड़ा है और कह रहा है इसे पांच साल कहां थे, इसलिए अब इनको हिंदू मुसलमान करवाना है वहां पे। इनकी स्थिति ये है कि वहां पे गांव में प्रचार करने नहीं घुस पा रहे नेता इनके, इसलिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। इतनी जब भार दिखाई पड़ रही है ना, तब ये सब मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, अपने आदमियों को प्लांट करते हैं, अपने आदमियों से धमकी दिलवाते हैं, मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रोहित भाई मेरी बात सुनिए, आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप रोहित भाई मैं दिखा देता हूँ, बयान दिखा दीजिए, तो बयान दिखा दीजिए, चैलेंज कर रहे हैं, चलिए बात ही खत्म हो गई। आप उम्मीदवार ने अगर धमकी दी होगी सुनाइए, उसको उम्मीदवारी से हटा देंगे। सुना दीजिए एक बार, आदिल चौधरी मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तीनों सुनाऊंगा मैं आपको, सुना दीजिए एक बार, हाँ सुनाइए प्लीज, सुनाइए और अपने शब्दों पर रहिएगा, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और आगे 100 बार सोचेंगे। एक कह रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हुई तो भूस भर देंगे, इलाज कर देंगे, इलाज सुनिएगा, सुनाइए 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 सुनाइए, हाँ आदिल चौधरी, आदिल चौधरी, आदिल चौधरी नहीं चाहिए मुझे, आदिल चौधरी सुनाइए, कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सुनाइए सुनाइए, एक मिनट रुकिए सुनाइए। अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इन साल लायक कोई छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। वहाँ तो मैं है 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, ये कैंडिडेट है रोहित जी, अमन जी कैंडिडेट है, हाँ हाँ नहीं नहीं आप मुझे बताइए, मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार है आदिल चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये आदिल चौधरी है एसपी उम्मीदवार है, देखिए जो तस्वीर चल रही है, एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी, आज आपको गठबंधन की ऐसी पट्टी बन गई है आपकी आंखों में रोहित भाई, कि आपको जाटों को धमकी नहीं सुनाई दे रही, ऐसी क्या बेड़ियां गठबंधन की, आप हमारी चिंता, आप ऐसी गठबंधन की बेड़ियां कि आज आपने जाटों को छोड़ दिया, आज आपको जाटों को छोड़ दिया आप लोगों ने, चल रही थी जब जाट का छोरा रो रहा था राकेश टिकैत, तब इनकी आंखों में शर्म नहीं थी। रोहित आप समझिए, आप मेरे से बड़े, आप जाटों के भाई, मैं तो हूँ, आप जाटों के नेता है रोहित भाई, आप सबसे ज्यादा जाटों की एक आवाज है रोहित भाई, आप लोग आवाज है, एक मिनट मेरी बात सुनिए रोहित, रोहित मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए रोहित, मेरी बात सुनिए, आप लोग आरएलडी, आप लोग जाटों के नेता है, जाटों की राजनीति करते हैं, जाटों की आवाज है, जयंत चौधरी जी के नेता, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम किसानों के नेता है, हम 100 अच्छा जाटों को धमकी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा जाटों को धमकी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, आपको फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन की मजबूरी है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं भारतीय जनता पार्टी, आदिल चौधरी, आदिल चौधरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आदिल चौधरी ने क्या जाट शब्द का प्रयोग किया वहाँ पे, वो वहाँ पे, अच्छा इनको सुना दीजिए फिर से, करने का काम मत करिए, सुना दीजिए, भाईचारा जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है, और वो सीधा सीधा बोल रहा है बदला लेंगे, एहसास करा दिया जाएगा, अगली बार ये 100 बार सोचेंगे, जिस तरह से हमारे साथ जुल्म हुआ बदला लिया जाएगा, इनको यह एहसास करा दिया जाएगा, ये 100 बार सोचेंगे, वो वहां बैठकर बोल रहे हैं जाटों से, और
भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वहां पे प्रचार करने गांव नहीं जा पा रही है। मैं मान गया, मैं मान गया, उतरते नहीं है। देखिए जाटों को छोड़ दिया आपने आज सिर्फ गठबंधन के चक्कर में, गठबंधन की मजबूरी है। जनता पार्टी को नकार दिया, अनिला जी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया इन्होंने। अगर 5 साल कोई काम किया होता अनिला जी रोहित भाई सरकारें आती जाती रहेंगी। आज आप इनके साथ हैं, कल उनके साथ होंगे, लेकिन बस मेरा एक सुझाव था आपको, कम से कम जाटों को मत छोड़िए, उनको उनके हाल पर मत छोड़िए। उनको धमकियां दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, धमकियां दे रहे हैं उनको, 13 की धमकी दी जा रही है, भूस भर देने की धमकी दी जा रही है उनको, सबक सिखाने की, इलाज कर देने की, और आपकी आंखों में गठबंधन की पट्टी बंधी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा, जाट जाए तो जाए, जाट पिटे तो पिटे, जाट को धमकी मिले तो मिले, गठबंधन ना जाने पाए, जाट जाए तो जाए।